अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज और आप देख रहे हो शिराज गार्डन बाइक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब के बारे में। और चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि जहां आप पाकिस्तान में इतने ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, वहीं एक और नेक काम कर दें। वो नेक काम ये है कि पाकिस्तान में एक कंपनी बनाए जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ियां बनाए। इस तरह हम कब तक पाकिस्तान में गाड़ियां संभल करते रहेंगे? तो अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा न्यू कंपनीज आ रही है, तो किसी एक कंपनी के साथ मुआहदा करें कि वो पाकिस्तान में मेड इन कार बनाए, मतलब गाड़ी की एक एक चीज को पाकिस्तान में बनाए, दूसरी कंपनियों की तरह ना करे गाड़ी को संभल करे बस, बल्कि गाड़ी को पाकिस्तान में मैनुफेक्चर करे। क्योंकि अभी आपके सामने है कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो जो कंपनी है जो गाड़ियों को संभल करके बेच रही है, जिसमें सुजुकी, होंडा, ट्यूटा वगैरह है, वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर रही है। ये इस साल में तीसरी दफा हो रहा है कि सुजुकी और ट्यूटा वगैरह ने अपनी गाड़ियों की प्राइस को ज्यादा कर दी है। तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है कि आप प्लीज पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी कुछ कर दें और पाकिस्तान इंजीनियरिंग बोर्ड को कहें कि किसी कंपनी के साथ मुआहदा करें कि वो पाकिस्तान बनाए अगले आने वाले 5 से 6 सालों में। इससे पहले भी हुकूमत ने एक मुआहदा किया था सुजुकी के साथ, लेकिन सुजुकी कंपनी ने वो मुआहदा पूरा नहीं था किया, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने 2007 के करीब उस मुआहदे को खत्म कर दिया था। तो प्लीज चीफ जस्टिस साहब, मैं पूरी आवाम की तरफ से आपसे अपील करता हूँ, किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी के साथ मुआहदा करें कि वो पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना के बेचे अगले आने वाले 4 से 5 सालों में। इससे सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में भी अच्छी गाड़ी मिलेगी। जब गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगी तो इस पर डॉलर का भी असर नहीं होगा और पाकिस्तानी आवाम को एक अच्छी कीमत में एक अच्छी गाड़ी मिलेगी और वो गाड़ी सस्ती होगी। तो आज का वीडियो बस यही था। तो जो जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, मेरी उससे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि चीफ जस्टिस साहब के पास ये वीडियो पहुंचे और वो कोई एक्शन लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।